हमारे यहाँ किसान पंप हाउस में मोटर, स्मर्सिबल, नल, चापाकल, जनरेटर पार्ट्स, पाइप, डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। वरुणा पंप्स, अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, अनंतनाग स्कूल के बगल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार, रामकंडा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में दिख रही जागरूकता, पहुँच रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। प्रखंड क्षेत्र में जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर क्षेत्रों में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अफवाहों को दरकिनार करते हुए लोगों के द्वारा बनाए गए सेंटरों पर महिलाओं पुरुषों की काफी तादाद देखी जा सकती है। प्रतिदिन लोग बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन लेने के लिए सेंटर पर पहुँच रहे हैं एवं दूसरे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वैक्सीन लेकर लौटे विनोद रवि ने बताया कि क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को जागरूक किया जाना सफल साबित हो रहा है। स्थानीय बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा भी लोगों को इस भ्रांति से निकाला जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रखंड में विभिन्न जगहों पर किया गया योगासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामकंडा में विभिन्न जगहों पर सोमवार को एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में विभिन्न पार्टी के नेताओं सहित गांव के कई लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवकों ने भाग लिया। इस दौरान कपाल भाति, अलोम विलोम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार सहित कई तरह के योगों का पूर्वाभ्यास उक्त लोगों के द्वारा किया गया। लगभग 2 घंटों तक चले उक्त कार्यक्रम में लोगों के द्वारा बड़े ही उत्सुकता के साथ खासकर कपाल भाति योग का पूर्वाभ्यास पर जोर दिया गया। इस दौरान शिविर में भाग लिए कई लोगों ने योग की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। शिविर में भाग लिए भाजपा के मंडल अध्यक्ष विजय यादव ने योग पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योग सभी तरह की बीमारियों से निजात पाने का एक कला है। योग के बिना मानव शरीर कभी भी निरोग नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि योग करने वाले व्यक्तियों के चेहरों पर हर समय मुस्कुराहट बनी रहती है, जबकि इससे दूरी बनाए लोग हर समय कई तरह की बीमारियों के शिकार बने रहते हैं। बीमारी के शिकार बने लोग या तो गांव घर चिकित्सकों की चौखट को खटखटाते रहते हैं, या तो फिर उसे बाहर के चिकित्सकों के योग के बदौलत ही लोग हर समय निरोग बने रहते हैं। वहीं विजय यादव ने आयोजित शिविर में भाग लिए सभी लोगों से प्रत्येक दिन योग का पूर्वाभ्यास करने की बात कही। भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष सोनू देवी ने कहा कि सभी लोगों को बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए योग करना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना कोई भी व्यक्ति निरोग नहीं रह सकता। उन्होंने प्राचीन काल के साधु संतों को भी योग के बदौलत ही निरोग रहने की याद दिलाते हुए सभी ग्रामीणों को अपने अपने घरों में योग का पूर्वाभ्यास करते रहने की बात कही। सोनू देवी ने आगे कहा कि 100 वर्ष पूर्व ना तो चिकित्सक थे और ना ही दवाइयां थी। लोग जंगलों की जड़ी बूटी का सेवन कर सिर्फ योग की बदौलत ही निरोग रहा करते थे। धन्यवाद। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर टंडवा, गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लोभी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।